बंगाल के एक बड़े सरकारी अस्पताल में एक महिला पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर से रेप की घटना सामने आई है। इस यौन हमले में पीड़िता बुरी तरह से घायल हो गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। बंगाल पुलिस पर इस मामले को शुरुआत में गंभीरता से न लेने का आरोप लगा है। मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के सड़क पर आकर प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं बंगाल में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने ममता सरकार को घेरना शुरू किया है। तब जाकर के पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन करने का आदेश दिया है। आरोपी कौन है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। घिनौने अपराध की यह घटना है कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज की। जानकारी के मुताबिक 31 साल की पीड़िता PG सेकेंड ईयर की छात्रा थी। 9 अगस्त को सुबह करीब 11:30 बजे पीड़िता के साथी छात्रों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न और बेहोशी की हालत में पाया था। आनंद फानन में उसे भर्ती किया गया, जहां कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहले तो राज्य पुलिस ने यह कहते हुए मामला रफा दफा करने की कोशिश की कि पीड़िता ने अपनी जान खुद ले ली, लेकिन जब पीड़िता के साथ ही छात्रों को पुलिस की इस हरकत का पता चला तो सभी अस्पताल का काम छोड़ करके विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते छात्रों के साथ साथ बीजेपी नेताओं ने भी पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले को बढ़ता देख एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि पीड़िता ने अपनी जान नहीं ली बल्कि उसके साथ यौन उत्पीड़न के बाद उसकी हत्या की गई। यानी ये सब मामला बढ़ने के बाद पुलिस एक्शन ले रही है। पीड़िता की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसे जानकर किसी को भी रोना आ जाएगा। 4 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक महिला डॉक्टर के गुप्तांग से खून बह रहा था, शरीर के बाकी हिस्सों पर भी चोट के निशान थे। रिपोर्ट में कहा गया उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था, चेहरे और हाथों पर चोट के निशान थे। पीड़िता के गुप्तांग से भी खून बह रहा था, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पीड़िता के पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ और होठों पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। कोलकाता पुलिस के एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को पीड़िता नाइट ड्यूटी पर तैनात थी। उसके साथ ये अपराध तड़के 3 से 6 बजे के बीच हुआ है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक ऐसा लगता है कि गला घोटने के कारण पीड़िता की गर्दन की हड्डी टूटी है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद अपराधियों की पहचान करने में मदद मिल सकेगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला के माता पिता को फोन किया और उन्हें दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और ABP को मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पिता का आरोप है कि सभी सबूतों के मौजूद होने के बावजूद जांच में देर करके पुलिस और अस्पताल प्रशासन सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कई छात्र संगठनों ने महिला चिकित्सक की मौत की जांच की मांग को लेकर रैली निकाली और विधायक अग्निमित्रा पॉल सहित कई विपक्षी भाजपा नेताओं ने भी अस्पताल का दौरा किया और मजिस्ट्रेट से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। फिलहाल ये खबर डेवलपिंग है, इसमें अभी और अपडेट्स आने बाकी हैं। जो भी मामला आगे खुलता है हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए PLI। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.